हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दक्षिण की दीवार पर कौन सी फ़ोटो लगानी चाहिए। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अधिकतर लोगों के घरों में आपने उनकी फैमिली फ़ोटो लगी हुई देखी होगी। कुछ लोग अपने गेस्ट रूम में फैमिली फ़ोटो लगाते हैं तो कुछ लोग अपने बेडरूम में फैमिली फ़ोटो लगाना पसंद करते हैं। तमाम लोग फैमिली फ़ोटो लगाते समय वास्तु का ध्यान नहीं रखते। आज हम आपको बता रहे हैं वास्तु के अनुसार आपको फैमिली फ़ोटो, भगवान की फ़ोटो या फिर कोई पेंटिंग घर के किस दिशा में लगानी चाहिए, जिससे कि आपके घर में खुशहाली और शांति का माहौल बना रहे। वास्तु के अनुसार अगर आप अपनी फैमिली फ़ोटो घर में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह है दक्षिण पश्चिम की दीवार। आप इस दीवार पर अपनी फैमिली फ़ोटो लगाएं तो आपके घर में ज़्यादा खुशहाली रहेगी। वास्तु के अनुसार फैमिली फ़ोटो को कभी भी पूर्व या उत्तरी कोने में नहीं लगाना चाहिए, वरना परिवार में समस्याएँ आती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें पेंटिंग की तो अक्सर लोग अपने घरों की दीवारों पर पेंटिंग भी लगाते हैं। उनको पेंटिंग लगाने का शौक होता है। इसमें कभी समुंदर वाली पेंटिंग होती है तो कभी आग वाली पेंटिंग होती है जिसमें आग दिखाई जाती है। वास्तु के अनुसार समुंदर, नदी या झरने वाली फ़ोटो या फिर पेंटिंग हमेशा उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। इसके अलावा जिस पेंटिंग में आग नज़र आ रही है उसे दक्षिण दीवार पर लगाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, वैसे तो आप अपने बेडरूम में किसी भी भगवान की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन राधा कृष्ण की तस्वीर लगाने से आपके घर का माहौल है वो ठीक रहता है, साथ ही प्यार का माहौल बना रहेगा। राधा कृष्ण या राम सीता की तस्वीरों को हमेशा घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर लगाना चाहिए। इससे कपल्स के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कोई भी गलतफहमी नहीं होती और उनके जीवन में खुशहाली आती है। तो आप इसे दक्षिण की दीवार पर लगा सकते हैं या फिर पश्चिम की दीवार पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिनकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।